अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आज के टॉपिक देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल आता है, टेक्स्ट साइज आ जाता है, टेक्स्ट का कलर, कलर सेल और बॉर्डर आ जाता है। ये सेल क्या होता है ये हम एक्सेल के ऊपर जाकर देख लेते हैं। अच्छा, एक्सेल की थोड़ी सी हाउ नो दे दूँ आपको कि ये सारे हमारे पास टूल्स हैं। ये जो ऊपर हमारे पास बटन आते हैं ये टैब बटन कहलाते हैं। जैसे कि फिलहाल मुझे होम टैब पर आ जाता हूँ क्योंकि आज मुझे आपको फॉर्मेटिंग बतानी है। ये जो फॉन्ट का आपके पास टूल आ रहा है इसके सारे टूल्स को यूज़ करना बताना है। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम्स हैं सारे और ये हमारे पास रॉज हैं। जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो ABCD से डिनोट हो रहे होते हैं और जितने भी रॉज होती हैं वो काउंटिंग से डिनोट हो रही होती हैं। इनको काउंटिंग या अल्फाबेट से डिनोट करने का मकसद क्या होता है कि इस तरीके से इनका एक एड्रेस बनता है। इस पर की जो बॉक्स सेलेक्टेड है ये एक सेल है। इस सेल का एड्रेस क्या है? F6 है। इस सेल का एड्रेस H9 है। इसका C10 है। इनका एड्रेस इसीलिए दिया जाता है ताकि हम इसको जब भी कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेल का एड्रेस मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी मैं आपको फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। जैसे इस वक्त जो मेरा सेल सेलेक्ट है वो A1 सेलेक्ट है। मैं इसके अंदर डाटा डालता हूँ, रोल नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, क्लास आ जाती है, डेट ले लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 4 सेल्स के अंदर डाटा इंसर्ट कर दिया मैंने। अब इसके बाद अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्टेड है ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है जो जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सी स्टाइल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को जो है वो मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है तो ये रोल के बाद नंबर जो है वो हिडन हो गया है, नेम का E हिडन हो गया है, क्लास का S हिडन हो गया है। तो अब इसके लिए मुझे इस कॉलम की वेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका होता है कि हम दो कॉलम्स के सेंटर में अपने कर्सर को लेकर आते हैं, वो जैसे ही ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाता है हम इसको होल्ड करके रखते हैं और इसकी वेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब की वेट को एक साथ इंक्रीज़ कर दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मैं सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ। कॉलम्स को सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, आप किसी भी कॉलम के ऊपर लेकर आएँ और जैसे ही आपके पास ये ब्लैक एरो बन जाए आप अपने बटन को होल्ड करके रखें और जहाँ तक आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं वहाँ तक आप लेकर आ जाएँ। अब इसके बाद आप किसी भी कॉलम, दो कॉलम्स के सेंटर में अपने कर्सर को लेकर आएँ और वो जैसे ही टू साइडेड ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाए आप उसकी वेट को चेंज कर दें। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसकी विड्थ रखी थी वही इन सब की ऑटो कन्वर्ट हो गई है। इस तरीके से आप अपने कॉलम्स की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आपके पास रॉस के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर मुझे 3 रॉस का हाइट इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है तो मैं इसी तरीके से उनको पहले सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद तो नंबर्स के सेंटर में मैं अपने कर्सर को लेकर आता हूँ और उसकी हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई है लेकिन जो 3 रॉज मैंने सेलेक्ट की थी वो तीनों सेम हाइट की बन चुकी हैं मेरे पास। अच्छा, अब इसके बाद फॉर्मेटिंग के अंदर मैं पहले इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स को सेलेक्ट करने का भी सिंपल तरीका है, आप अपने कर्सर को सेल के ऊपर लेकर आएँ और उसके बाद उसको होल्ड करके रखें और जहाँ तक आप लेकर जाएंगे वो सेल्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सेल्स के अंदर और भी तरीके होते हैं इसको चेंज करने के, मूव करने के या ड्रैग और ड्रॉप करने के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा कर्सर वाइट कलर का है लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर अपने कर्सर को लेकर आता हूँ तो ये ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक कलर का हो गया इसका मतलब अभी कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा। अभी मैं इसको होल्ड करके और इसको अगर ट्रैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने सब जगह वही रोल नंबर कॉपी कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने रोल नंबर लिखा है ये मेरे पास यहाँ पर नहीं है बल्कि डेट के बाद है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मूव कराऊँगा। या तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके और यहाँ पर दोबारा से राइट कर लूँ या मैं इसी सेल्स को मूव करा दूँ। इस सेल को मूव किस तरीके से करा जाएगा कि मैं जब यहाँ लेकर आता हूँ तो मेरे पास ब्लैक कलर का एरो बन जाता है जो कि ड्रैग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो वाइट कलर का एरो बन जाता है जो कि सेल को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
और अगर मैं इसकी जो साइड की लाइंस हैं इसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फोर साइडेड ब्लैक एरो बना है, जिसका मकसद इसको मूव करना होता है। आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव हो चुका है। मैं इसको दोबारा उसी लोकेशन पे लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर इसको बोल्ड कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड्स को। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, साइज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है करने से, और डिक्रीज़ के बटन पर क्लिक करने से हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। फिलहाल मैं इनको सेम साइज़ का कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद इन की जो राइटिंग है वो ब्लैक कलर की है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर की ना हो, इसको मैं ब्लू, ग्रीन, येलो या कोई और कलर दे सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी मुझे कलर पसंद है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, या अगर मैं मोर कलर्स में जाऊँ तो यहाँ से मैं कोई और कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा, ये हमारे पास कलर चेंज हुआ है। अगर मैं सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिल कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से जो भी कलर मुझे सेलेक्ट करना है मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है और मेरे सेल्स का कलर भी चेंज हो गया है। अगर आप किसी एक सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको सेम ही कर देता हूँ कलर को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फॉन्ट के अंदर बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी हमारी शीट को जो है वो मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग बॉर्डर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे इन सारे सेल्स के ऊपर सेम बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे किसी एक बॉर्डर, एक सेल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ उसको सेलेक्ट करूँगा। मैं बॉर्डर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स उन्होंने मेन्यू के अंदर दिए होते हैं कि अगर आपको टॉप और बॉटम पर बॉर्डर लगाना है सिर्फ, या टॉप और डबल बॉटम लगाना है, राइट साइड पर लगाना है, लेफ्ट साइड पर लगाना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम मोर बॉर्डर ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल कोई बॉर्डर सेलेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे बॉर्डर की टॉप पे लाइन सेलेक्ट करता हूँ, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे। अच्छा, ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है ये बहुत लाइट है, मैं इसकी वेट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ी डार्क हो गई है। मैं इसको ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे इस सेल के ऊपर ही बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सबके ऊपर अप्लाई हो जाए तो मैं दोबारा ऑर्डर ऑप्शन में आ जाता हूँ। अच्छा, जब मैंने सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट किया था तो आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल आ रहा था। अब क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सेल सेलेक्टेड हैं तो इसलिए यहाँ पे दो सेल्स आ रहे हैं, दो सेल्स यहाँ पे इस वजह से आ रहे हैं कि यहाँ पे अब जो भी लाइन मैं सेंटर में सेलेक्ट करता हूँ तो वो इनके सेंटर में वही लाइन आएगी। अभी मैंने यहाँ पे इस पर सिंपल लाइन ली हुई है, बाकी चारों तरफ बॉर्डर पर डार्क बॉर्डर लिया हुआ। अब मैं इसको जब ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये साइड पे डार्क बॉर्डर है और सेंटर में लाइट है। मैं दोबारा बॉर्डर ऑप्शन पर आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सेंटर के अंदर डबल बॉर्डर लाइन चाहिए, ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर हमारे पास डबल बॉर्डर लाइन आ गई है और इसके बॉटम पे या राइट लेफ्ट साइड पर डार्क बॉर्डर है। अच्छा, इसमें आप बॉर्डर के साथ उसके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर, आपके पास कलर है जो आपको कलर सूटेबल हो आप वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फिर अपने बॉर्डर्स को उसके अंदर कन्वर्ट कर दें। आप सेल्स के अंदर मल्टीपल कलर्स के बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट, राइट, बॉटम पे जो वो येलो कलर लिया है। अब मैं इसके सेंटर में रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर किस तरीके से कन्वर्ट हो गया।
तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है एक्सेल के अंदर,